की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम जो रंजिता प्रामाणिक जी की मुहिम चला रहे हैं उसी को लेकर एक बार फिर आए हैं आपके सामने। रंजिता प्रामाणिक जी हमारे साथ बैठी हैं, सर पे उन्होंने, आप देख सकते हैं, आप काशी की जो पहचान है उन्होंने लगा रखा है। और इससे पहले उन्होंने माँ गंगे में डुबकी लगाई, मुंडन किया और अपना बाल जो है इन्होंने माना हुआ था कि गंगा को देंगे, तो इन्होंने बाल समर्पित किया, सारे परिवार ने समर्पित किया। आप माता जी, पिताजी, उनके बड़े भाई, सभी लोग आए, इनको अपने तरीके से लेकर घर से गंगा जी की तरफ आए और फिर मुंडन की प्रक्रिया हुई। परिवार के सभी सदस्यों ने मुंडन किया, अपने बाल को निकाला सबने और उसके बाद गंगा में डुबकी लगाई। आपने, रंजीता जी, मुंडन किया, क्या सोच के आई थी कि हमको बाल गंगा जी में चढ़ाना है? क्यों चढ़ाना है, क्या मकसद था? अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको आपको कुछ खोना पड़ेगा। आप अगर कुछ त्यागोगे तभी कुछ पाओगे। मैं मेरा भोलेनाथ की दर्शन पाना चाहती हूँ, जो जीवित भोलेनाथ है। भोलेनाथ के रूप में मोदी जी है, हमारे इधर सारा विश्व का रक्षा कर रहा है, तो हम उनका दर्शन पाने के लिए पहले सोचे थे कि अन्नजल त्याग देंगे, लेकिन सब ने बोला अन्नजल त्याग नहीं दो, तो हमने सोचा कि हम चार जन मुंडन करा लेंगे, अपने बाल को, अपने रूप को त्याग देंगे, चार जन मिलके सारे अपने रूप को त्याग देंगे, मुंडन करा देंगे, फिर अगर हम कुछ त्यागेंगे तभी तो भोलेनाथ का दर्शन पाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, इसलिए हमने पूरा चार जन ही मुंडन करा लिया, अपने मोदी जी, अपने परम आराध्य भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जो जीवित भोलेनाथ है, जो सारा विश्व को, सारा पृथ्वी को रक्षा कर रहे, जो विश्व गुरु मोदी जी है। हम मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, हम मोदी जी को भोलेनाथ मानते हैं। भोलेनाथ जो खुद जहर पी के सारा विश्व को रक्षा करते है, वो हमारे मोदी जी है। और योगी जी है श्री राम, योगी जी है श्री राम और मोदी जी है भोलेनाथ, जो खुद जहर पी के, भोलेनाथ जैसे खुद जहर पी के सारा विश्व को रक्षा किया था समुद्र मंथन के टाइम में, मोदी जी है भोलेनाथ और योगी जी है भोलेनाथ आप और योगी जी है श्री राम। बात कर रहे हैं रंजीता प्रामाणिक जी से, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और जियो कंपनी रिलायंस जियो में कॉल सेंटर में काम करती थी। आपने हिंदुत्व की आवाज़ उठाई पश्चिम बंगाल में, तो आपका कहना है कि टीएमसी के लोगों ने क्या हाल किया कि इतना? टीएमसी वालों ने मेरे माथे पे एसिड अटैक किया, मुझे रेप करने की धमकी दी। सोचिए कि मेरा उम्र 33 इयर्स है, आप लोग देख के समझ पाएंगे, सोचिए कितना सदमा बीता है मेरे ऊपर। टीएमसी वाले ने बहुत दर्द भरी कहानी इनकी, रेप करने की धमकी। पहले मेरा पापा भैया का पेट में लात मारा, काम काज बंद कर दिया, फिर हमारे घर के ऊपर टॉर्चर हुआ, बोला तुम्हारे पापा भैया काम के लिए जा रहे हैं, तुमको और तुम्हारे मम्मी को रेप कर देंगे। हमने एसिड अटैक के लिए एफआईआर किया था, बोले एफआईआर वापस ले लो नहीं तो तुम्हारे घर के ऊपर टॉर्चर होगा। हम लोग अगर वेस्ट बंगाल से भाग कर नहीं आते तो हम लोगों को जिंदा जला देते ममता बनर्जी। सिर्फ उधर हिंदू के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम जो टीएमसी के झंडा नहीं उठाते उनके ऊपर भी टॉर्चर होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि किसी के लिए भी होता है जो टीएमसी की बात नहीं करता। आप इनके देखे भाई हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं। मेरा भैया बजरंग दल करता था। जी जी। मेरा पापा सुनार का कारीगर है, ऐसे जे ऐसे आपने अंगूठी पहना है ना, मेरा पापा बनाते थे, भैया भी बनाते थे। हम लोग सब 10 साल पहले काशी आए थे, ये सब ओम नमः शिवाय गुजवाए थे मम्मी। हम लोग 15 साल हो गया, मांस मछली अंडा। हम लोग बंगाली समाज में होके भी छठे ज्योतिर्लिंग घूमने के बाद हम लोग मांस मछली अंडा मीट सब त्याग दिया। हम लोग रामकृष्ण मिशन में बेलूर मठ में परम पूजनीय श्री स्वामी गहनानंद जी महाराज के दीक्षित है हम चार जनी। तो आप आए हुए बनारस में, इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे पास जब ये कहानी पहुंची तो हमने कोशिश जारी की है, और वो भी हम इंसानों की क्या कुबत है मैं मानता हूँ, सब ईश्वर की देन है, महादेव की देन है। और आप आज गंगा जी में आई,
अपने बालों को दान दिया, इन्होंने माँ गंगे का शिव का दर्शन किया। और आपसे मैं यही कहूँगा कि आपके साथ जो कुछ बीता है वो अतीत की बातें हैं, अभी जीवन में आपको नवजीवन की शुरुआत करनी है और एक हौसले के साथ करनी है, अपने आप को मजबूत करना है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी, अगर आप सब लोग हिंदू भाइयों, सब हिंदू सारे काशी वासियों हमारा साथ देंगे तो हमें जीने की आश रहेगी। नहीं तो हमने तो सोचा था कि सुसाइड करके मर जाएंगे। हम यही सोच के वेस्ट बंगाल से पलायन करके आए, जैसे हैशटैग कश्मीर फाइल्स हुए हैं ना, वो पंडित लोगों ने कश्मीर छोड़कर, पंडित लोग कश्मीर छोड़कर पलायन करके चले गए थे, ऐसे हमारे तरफ भी हैशटैग वेस्ट बंगाल फाइल्स हुआ है, लेकिन कोई बनाया नहीं, अभी बनेगा। आप लोग जब प्रयास करेंगे तो मेरे भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगा। निश्चित तौर से आपकी जो आवाज़ है वो जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे आप सब काशीवासियों, सारे काशीवासियों जगह अगर एक होकर हमें आस देंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे, तभी हम ये चार जन जिंदा रह पाएंगे, हमारा परिवार जिंदा रह पाएंगे। यही हम आप सारे काशीवासियों से गुहार है कि हम चार जन का जिंदा रहने के लिए आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए, मेरे बाद मोदी जी को, जोगी जी को तक पहुँचाइए। मैं मोदी जी का, जोगी जी का दर्शन करना चाहती हूँ। जोगी जी श्री राम, मोदी जी मेरे भोलेनाथ, आप लोग का दर्शन पाना चाहती हूँ। तो आप देखिए कितनी वेदना में है, आपकी तमन्ना है कि मोदी जी और योगी जी से इनकी मुलाकात हो। हमारे कोई रहने के लिए, खाने के लिए कोई बिल्कुल, जगह बिल्कुल नहीं है। आपकी सारी बातें हमने चैनल के जरिए बताई है और ईश्वर ने चाहा आपकी सारी व्यवस्थाएं होंगी काशी के अंदर। काशी कहते हैं मोक्ष नगरी है, निश्चित तौर से यहाँ पर हर किसी को सहारा मिलता है, दुनिया के तमाम जगहों से लोग आते हैं और उन्हें सहारा मिलता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि निश्चित तौर से आपकी व्यवस्थाएं होंगी, हम आपकी आवाज़ सरकार तक ले जाएंगे और हम लोगों के भी माध्यम से जो हो सकेगा, क्योंकि हम भी काशीवासी हैं, वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे रंजीता प्रमाणिक जी से और उनके परिवार के साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी दर्द भरी दास्तान आप देख रहे हैं, पूरा यकीन है हमें कि आप इससे उभरेंगे और ये संघर्ष इनका अकेले का नहीं है, हमारा है। बड़ी बात इन्होंने कही कि कश्मीर फाइल्स पे फिल्म बनी, बंगाल में भी बंगाल फाइल्स भी बनेगी, मेरे ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनेगी। अगर इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही है तो वाकई मैं चाहती हूं मेरी तरह कोई भी औरत, कोई भी लड़की, 33 साल की लड़की, मेरा 4 साल पीरियड बंद हो गया है। सोचिए कितना टॉर्चर होने के बाद एक 33 साल की लड़की 13 साल की बन गई है, कितना टॉर्चर मैंने सहा है। तो आप, मेरा पाँव पैरालाइज हो गया है, मैं पाँव से चल नहीं पाती, मम्मी भैया के सहारे लैटिन बाथरूम करना पड़ता है। सोचिए कितना दर्द सहा है मैंने, कितना टॉर्चर सहा है। आप लोगों से गुहार है, आप लोग मेरी मदद कीजिए, आप सारे काशीवासियों मेरी मदद कीजिए, मेरी बात मोदी जी तक, जोगी जी तक पहुँचाइए, आप सबसे विनती है। तो भारत की तस्वीर में आप बार बार अपील कर रहे हैं कि इनकी बात मोदी जी और योगी जी तक पहुंचे। पूरा यकीन है कि आवाज़ जाएगी और इनके साथ न्याय मिलेगा, इन्हें जीने का मकसद प्राप्त होगा। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर, सच ही मिशन है।